नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। कभी दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर पानी पार करवाता है तो कभी दुल्हन नाव पर बैठकर अपने ससुराल पहुंचती है। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि ये तस्वीरें बिहार की है। और ये तस्वीरें बिहार की सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार के दावे और वादे फाइलों में बंद पड़ जाते हैं। ऐसे में एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर एक दूल्हा अपनी दुल्हन के पास पहुंचने के लिए बांस का पुल बनवाता है, जिसके बाद उस पुल के सहारे वो अपनी दुल्हन को लेने जाता है। क्या कुछ जानकारी हमारे पास, किस गांव की है यह खबर, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। पूरे बिहार में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे प्रदेश के अधिकांश नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं कई इलाकों में तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई गांव मुख्य मार्ग से कट गए हैं। ऐसे में लोगों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों की शादी करने में दिक्कत हो रही है। रास्तों पर पानी भर जाने की वजह से गांव से बारात ले जाने में मुश्किलें हो रही है। कई जगहों पर बारात को गाड़ी से उतरकर पानी से होते हुए पैदल ही कुछ देर के लिए चलना पड़ता है। कुछ ऐसा ही एक मामला बगहा के चूड़ीहड़वा गांव से सामने आया है। देखिए, रास्ता नहीं क्या, तो अब मचान के पुलिया बना के या शादी कराया जाता नहीं। दिने दिने के बाद कहाँ भांगा गांव में जाए के बाद कहाँ घर पड़ रहा चूड़ीहड़वा नाम बबलू बबलू। दरअसल एक बारात को निकलने के लिए दूल्हे के परिवार को चचड़ी पुल बनवाना पड़ा। बगहा के चूड़ीहड़वा गांव के बबलू की बारात निकलती उससे पहले ही गांव का संपर्क भंग हो गया। ऐसे में पानी को पार कर गांव से बारात निकाल पानी संभव नहीं था। ऐसे में बबलू के पिता पारस लाल और पड़ोसियों ने चचड़ी पुल बनाने की ठान ली। पिता ने बेटे की शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। घर में मेहमान और रिश्तेदार भी पहुंच गए थे, लेकिन अचानक उनका गांव पूरी तरह बाढ़ से घिर गया। गांव में अचानक आई बाढ़ ने शादी की तैयारियों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद क्या था, गांव में रास्ता नहीं होने की वजह से दूल्हे को मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ा। मोटरसाइकिल पर ही दूल्हे की परछावन हुई। चचरी पुल बनवाने के बाद दूल्हा मोटरसाइकिल से बारातियों के साथ ससुराल बंगहा पहुंचा। शादी के लिए चचरी पुल बनवाने की यह खबर इन दिनों चंपारण में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, रास्ता नहीं क्या, तो मचान के पुलिया बना के या शादी कराया जाता नहीं। दिने दिने के बाद कहाँ भांगा गाँव में जाए के बाद कहाँ घर पड़ रहा चूड़ियारवा नाम बबलू। पानी से टूट गया है तो हम लोग पुलिया बनाकर बांस कर और हम लोग अपने भाई को शादी करने के लिए इसे हेला कर ले जा रहे हैं बाहर। कहाँ भांगा नाम का भाई रहो? मेरा सुनीता वर्मा। कौन है लड़का का? मेरा भाई है। तो एक बार फिर से तस्वीरें बगहा से सामने आई हैं, जहां एक दुल्हा को अपनी दुल्हन लेने के लिए चचरी के पुल का सहारा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, न्यूज फॉर नेशन ने इससे पहले भी आपको कई सारी तस्वीरें दिखाई जहां पे एक दुल्हन नाव के सहारे अपने ससुराल पहुंचती है। इतना ही नहीं, एक दुल्हे को अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर पानी का पार करवाना पड़ता है। तो ये सभी तस्वीरें बिहार की है क्योंकि इस वक्त बिहार में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। और सिर्फ ये तस्वीरें इस साल की नहीं है, हर साल बिहार में यही मंजर देखने को मिलता है। हर साल नीतीश कुमार की तरफ से यही दावे किए जाते हैं कि इस बार बिहार में बाढ़ अपना दस्तक नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद उनके सभी दावे फाइलों में सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि हर साल जनता को यही परेशानी देखने को मिलती है। हर साल जनता इसी परेशानी से गुजरती है। कहीं लोग छत पर रह रहे हैं तो कहीं लोग टेंट के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त बिहार से सामने आ रही है। अलग अलग जिलों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से लोग परेशान है। ऐसे में एक और तस्वीरें बगहा से सामने आई है, जहां एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए चचरी के पुल के सहारे बारात लेकर पहुंचता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।